नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। पिछले 4 माह से नेपाल का फलातून बनने की कोशिश कर रहे ओली एक ही झटके से धरातल पर आ गए हैं और किसी फार्मी मुर्गे की तरह गर्दन झुकाकर उसी दरवाजे पर माथा रगड़ते दिखाई दिए जिसकी ईंटें दरकाने की चेष्टा में उन्होंने अनगिनत टोपियां और पायजामे बदले थे। यानी नेपाल को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने वाला यह चीनी टोपी छाप अंततः मोदी दरबार में दंडवत हो गया। इसका मतलब यह है कि नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली का राष्ट्रवाद नेपालियों को उल्लू बनाकर खुद को तोपची स्थापित करना था, पर अब ना तोपची रहा और ना वह तोप रही जिसका मुंह ना जाने कितनी बार भारत की तरफ उठा था। यानी भूखे नंगे देश के पीएम की एकड़ी निकल चुकी है। ओली को समझ में आ गया है कि कुकुर बेशक 100 दरवाजे टुकड़ा मांगना जाए, पर आखिर में उसे आना अपने मालिक के पास ही पड़ता है। पिछले 4 माह में भारत द्वारा नेपाल को भाव नहीं देने से कम कुकुर वाली बात सही साबित होती है। इन 4 महीनों में जयचंद ओली ने कई बार भारत विरोधी कदम उठाए, पर कुकुर वापस आया है और फिर से चेंज की जीभ लपलपा रहा है। यानी बुढ़ऊ पीएम के सुरभ बदल गए हैं और टुकड़े की चाह में वे भारत के साथ बातचीत करने के लिए हर जतन कर रहे हैं। नेपाल का यह पीएम लगातार 2 हफ्ते से बेचैन चल रहा है कि नेपाल में बढ़ती महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता को कैसे नियंत्रित करें। नेपाल में हालात तेजी से खराब होते जा रहे हैं और ओली की विदेश व घरेलू नीतियां ज्यादा कारगर होती नहीं दिख रही है। ओली को यह बात देर से समझ में आई कि बिना भारत के नेपाल की गाड़ी नहीं चल सकती है, पर अब तक यह बुढ़ऊ बहुत देर कर चुका था। यानी कुकुर अपने मालिक पर इतनी बार भौंक चुका था जिसके बाद मालिक क्रुद्ध तो हुआ ही, उसके दरवाजे पर टुकड़ा मांगने का साहस भी बाकी नहीं बचा था। इसके बाद ही कुकुर और मालिक के बीच का खेल शुरू हुआ जिसमें तय हुआ कि चाहे कैसे भी हो मालिक का आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा। पर धोबी का कुकुर बने पीएम ओली की हिम्मत खत्म हो चुकी थी। पिछले कुछ दिनों से वे विशेषज्ञों से सुझाव ले रहे थे कि किस तरह भारत को बातचीत के लिए मनाया जा सके। उन्होंने इसके लिए नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी थी, जिसके बाद ग्यावली ने 1 सप्ताह के अंदर कई पूर्व मंत्रियों, राजनयिकों और विशेषज्ञों से भारत को वार्ता की मेज पर लाने की सलाह ली। इस दौरान ज्यादातर विशेषज्ञों ने उन्हें भारत के साथ सीधे बातचीत का सुझाव दिया था। नेपाल के एक राजनयिक ने स्पष्ट कह दिया था कि क्यों नहीं विदेश मंत्री ग्यावली इधर उधर की बातचीत करने की बजाय अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से सीधी फोन पर बातचीत करते हैं, पर इसके लिए साहस की जरूरत थी जिसे ओली जैसे कुकुर ने ज्यादा भौंक कर खत्म कर दिया था। पर नेपाल के पीएम ओली की इससे भी कहीं ज्यादा फटी पड़ी थी। वे भी भारत के साथ पर्दे के पीछे से बातचीत करने के लिए प्रयास कर रहे थे। पीएम और उनके सलाहकारों ने सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं राम माधव विजय ओली और आरएसएस के नेताओं से संपर्क किया था, मगर ओली और उनकी सरकार के ये सभी प्रयास विफल हो गए, जिसके बाद ओली ने वैकल्पिक रास्ते तलाशने शुरू किए। ओली सरकार ने नेपाली सेना के जरिए भी पर्दे के पीछे से भारत के साथ सीमा विवाद पर बातचीत करने का प्रयास किया। ऊपर से नेपाल के विपक्षी और सत्तारूढ़ दल भी भारत के साथ संबंधों को अच्छे करने के लिए ओली पर लगातार दबाव बना रहे थे। अंततः हर दरवाजे से निराश होने के बाद ही कुकुर डायरेक्ट मालिक की शरण में आ पहुंचा। मजे की बात यह है कि नेपाल सरकार पर चीन का दबाव 20 बार काम नहीं आया। ओली सभी दबाव को धता बताकर सीधे मोदी की शरण में आ गए। 4 महीने में पहली बार भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में आज ओवरसाइट मैकेनिज्म की मीटिंग हुई है। खास बात यह है कि जिस सीमा विवाद पर नेपाल एडिकेबल खड़ा हो गया था उस मुद्दे को छोड़कर अन्य मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा की गई। नेपाल की ओर से इस बैठक में शंकरदास बैरागी जबकि भारत की ओर से नेपाल में राजदूत विनय मोहन कवात्रा ने हिस्सा लिया। मैकेनिज्म पर बैठक की सहमति साल 2016 में बनी थी जिसे तत्कालीन पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड के भारत दौरे के बाद सेटअप किया गया था। इसमें द्विपक्षीय प्रोजेक्ट को लागू किए जाने और उन्हें तय समय में पूरा किए जाने संबंधी प्रावधान था। इस बैठक के बाद जयचंदो के कुनबे के सुर में फिर से बदलाव आ गया है। भारत में नेपाल के राजदूत नितंबर आचार्य ने कहा है कि भारत और नेपाल के संबंध बहुत घनिष्ठ है, जबकि विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली इस बैठक के बाद फूले नहीं समा रहे हैं और इसे बड़ी कूटनीतिक सफलता मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल का सबसे प्रमुख मित्र राष्ट्र और सहयोगी है, दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। पर बड़ा सवाल यही है कि नेपाल के नेता जो बासी मक्खन भारत की पीठ पर लगा रहे हैं उस पर कितना विश्वास किया जा सकता है कि उसमें शहद नहीं मिलाया गया है। पीएम ओली ठीक 15 दिन पहले बीरगंज में अयोध्या का डंका बजाकर भारत की तरफ नस्तर फेंक रहे थे, उस कुटिलतापूर्ण बर्ताव को आसानी से नहीं भुलाया जा सकता है। वैसे भी भारत ने नेपाल को झुकाने के लिए कोई ठोस एक्शन नहीं किया है, भारत केवल मौन रहा और नेपाली सरकार की उसी में सुसु निकल आई।
अगर भारत की तरफ से कोई एक्शन हो जाता तो शायद इस हिमालयी मुल्क की हालत ज्यादा खराब हो जाती। पर फिर भी कुछ तो ऐसा हो रहा था जिसने नेपाल को बातचीत के लिए मजबूर किया है। पर्दे के पीछे से भारत कहीं ना कहीं नेपाल की नकेल कस रहा था। बताया जाता है कि पिछले 2 महीने के भीतर भारत ने नेपाल जाने वाली दैनिक उपभोग की वस्तुओं में भारी कटौती कर दी थी। इसमें तेल, मसाले, दालें और सब्जियां भी शामिल थी। इसके अलावा भारत द्वारा नेपाल में चलाई जा रही पुनर्निर्माण की परियोजना को इतना धीमा कर दिया गया था कि जिसके बाद उनमें लगे नेपाली श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा होने लगा था। केवल इतना ही नहीं, भारतीय दूतावास में नेपालियों का कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। ये ऐसे अल्पकालीन कदम थे जिनसे नेपाल घुटनों पर आ गया। कोरोना वायरस की आपदा के चलते यह उसके लिए और बड़ी आपदा बन गई, क्योंकि भारत द्वारा खाद्य पदार्थों में कटौती की वजह से नेपाल में महंगाई आसमान पर जा पहुंची और आम आदमी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिससे नेपाली सरकार के सामने बड़ा संकट खड़ा होने लगा था। पर ओली ने जो बयानबाजी की थी उससे दोनों देशों के बीच तनातनी इस कदर बढ़ चुकी थी जिसमें नेपाल सरकार की भारत से बात करने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। नेपाल में हालात खराब होने की ओर बढ़ने लगे थे। वजह सामने थी मगर उसका निस्तारण करना कहीं ज्यादा जटिल था। भारत मौन था और उसकी तरफ से प्रतिक्रिया के तौर पर भी बयान नहीं आ रहा था, जिससे नेपाल सरकार की आशाएं लगातार धूमिल पड़ने लगी थी। मगर भारत से बात करना बेहद ही जरूरी था, क्योंकि खराब होते हालातों को पटरी पर लाने के लिए भारत से वार्ता बेहद आवश्यक थी। यानी नेपाल द्वारा भारत से बातचीत करना जरूरी नहीं, मजबूरी थी। पर पिछले कुछ माह में यह साबित हो गया है कि यह नागफनी का वह पौधा है जो दवा कम जख्म ज्यादा देता है। इसलिए भारत इस बार बेहद सतर्क है। नेपाल आपसी विश्वास भारत से विश्वासघात करके खो चुका है। उसे फिर से स्थापित करने में नेपाल को सालों लग जाएंगे। वैसे भी जब तक पीएम ओली नेपाल की सत्ता में बैठे हैं उसके पुनर्स्थापित होने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि ओली की झोली में चीनी मुलम्मा उम्मीद से ज्यादा चढ़ा हुआ है। चीन और ओली के रिश्तों को लेकर इतने खुलासे हो चुके हैं जिनके बाद ओली की छवि एक खलनायक की बन गई है। कम से कम भारत में ओली के प्रति नजरिया बेहद ही खराब है, जिसका खामियाजा नेपाल की गरीब जनता के हिस्से आ रहा है या आगे भी आ सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।